है और इसका जो आस्किंग प्राइस है वो है 1,35,000 रुपये। 1,35,000 रुपये इसका आस्किंग प्राइस है। सर इसमें अगर अपन नेगोशिएट करेंगे तो मिनिमम आपके कितने तक इसमें इसको छोड़ सकते हैं? और इसकी मैं अगर बात करूं तो ये 80,000 रुपये के रेंज का ट्रैक्टर है, इसकी कीमत लगभग 1,20,000 रुपये है। और अगर हम लोग आगे बढ़े, इसकी जो आस्किंग प्राइस है वो 1,70,000 रुपये है। 1,70,000 इसकी आस्किंग प्राइस है। आपके 36 HP का ये ट्रैक्टर है जी, इसकी जो आस्किंग प्राइस है वो 2,50,000 रुपये है, जो हम लोग उम्मीद रख रहे हैं। इसकी जो हम लोग कीमत उम्मीद रख रहे हैं वो 3,50,000 रुपये की कीमत इसकी हम 3,50,000। और इसकी भी मैं बात करूं तो ये फिर से एक बार महिंद्रा का 475 है, ये भी लगभग 1,25,000 की रेंज का ट्रैक्टर है। 80,000 रुपये का इसका आस्किंग प्राइस है हम लोग का, 80,000 है। और लगभग हमारे पास हर समय 50-70 ट्रैक्टर पुराने हमारे पास। सो दोस्तों कैसे हैं आप लोग, मैं हूँ रूही और आज आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माई सिटी कास्ट। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी कुछ दिनों पहले आप भोपाल की वीडियो देख रहे थे और अब मैं वापस आ गई हूँ ग्वालियर, तो आज मैं आप सभी के लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। और ख़ासकर ये वीडियो हमारे किसान भाइयों के लिए है जो काफ़ी कमेंट कर रहे थे कि मैम ट्रैक्टर दिखाइए हम लोगों के लिए, तो उन सभी के लिए मैं काफ़ी सारे ट्रैक्टर लेकर आ गई हूँ। बाकी अपन भैया को बुलाते हैं, भैया से डिटेल लेते हैं, यहाँ के एड्रेस के बारे में जानते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। और अगर आपको मुझसे कुछ बात करनी है तो साइड में आपको इंस्टाग्राम हैंडल दिख रहा होगा, आप वहाँ जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देर के। आइए दोस्तों, चलिए दोस्तों स्वागत करते हैं भैया का। भैया आ जाइए, सबसे पहले सबको हाय कर दीजिए। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। अपने पहले आप आपका नाम क्या है? दोस्तों मेरा नाम है अंकुर गुप्ता और अभी हम खड़े हैं भिंड से ग्वालियर की तरफ आते हैं, तो बीच रास्ते में आपको गोहद चौराहा करके एक जगह मिलती है जी। मेन गोहद चौराहे से 1.5 किलोमीटर ग्वालियर की तरफ मेन रोड पर महिंद्रा ट्रैक्टर का शोरूम है, वहाँ पर एक ट्रैक्टर का ये काफी बड़ा एक हमने पुराने ट्रैक्टर का एक बाजार बनाया है, तो वहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं। अच्छा सर, अपनी मेन ब्रांच यही है या इसके अलावा अनदर और कहीं भी है? जैसे कस्टमर आता है तो उसको कंफ्यूजन होती है, तो उसका आप थोड़ा डिटेल देंगे? जी हाँ बिल्कुल, मुख्य शाखा हमारी यही है गोहद चौराहे पर जी। और बाकी ग्वालियर में भी हमारा काफी बड़ा शोरूम है, वहाँ पर भी कुछ पुराने ट्रैक्टर उपलब्ध रहते हैं जी। बट ज्यादा संख्या में जो पुराने ट्रैक्टर का बाजार है वो यहीं पर है और यहीं पर हम लोग सारे ट्रैक्टर डिस्प्ले में रखते हैं। ठीक है, तो अपन कितने रेंज से स्टार्ट करने वाले हैं अपने किसान भाइयों के लिए ट्रैक्टर? जी हमारे पास आज की तारीख में अगर हम लोग बात करें तो 70,000 रुपए से लेके 4,00,000 रुपए तक के ट्रैक्टर हमारे पास उपलब्ध हैं जी। 70,000 से 4 लाख, तो काफी बड़ी एक रेंज है। और लगभग हमारे पास हर समय 50-70 ट्रैक्टर पुराने हमारे पास हमेशा रहते हैं, जो हर किसान भाई की हर जरूरत के हिसाब से, जिनको हल्के कामों के लिए ट्रैक्टर चाहिए वो भी ट्रैक्टर उपलब्ध हैं, जिनको अच्छे कामों के लिए ट्रैक्टर चाहिए वो भी उपलब्ध हैं, कम हॉर्स पावर वाले भी उपलब्ध हैं, ज्यादा हॉर्स पावर वाले भी उपलब्ध हैं, और हर प्राइस रेंज में उपलब्ध हैं जी। हर चीज आपको यहाँ मिलने वाली है। बाकी सर अपन कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं? जी इतने सारे ट्रैक्टर रखे हुए, जहाँ से आप बोले इधर से ही शुरू कर लेते हैं, यहाँ से करते हैं। आइए सर, सबसे पहले आपको बताइए कौन सा ओनर है? ये फर्स्ट ओनर ट्रैक्टर है, फर्स्ट ओनर। और मैं किसान भाइयों को ये भी जानकारी दे दूं कि फर्स्ट ओनर का मतलब होता है कि ये ट्रैक्टर आज से पहले कितनी बार खरीदा या बेचा गया है जी। तो ये फर्स्ट ओनर ट्रैक्टर है, यानी कि ये पहली बार ही ट्रैक्टर एक्सचेंज में हमारे यहाँ आया है। ठीक है, बाकी इसका कौन सा मॉडल है? ये स्वराज का 735 FE है, जो अपने क्षेत्र में काफी पॉपुलर ट्रैक्टर है, लोग इसको काफी पसंद करते हैं। किर्लोस्कर इंजन में है, 2018 का ये मॉडल है और 3,90,000 रुपए की कीमत का ये ट्रैक्टर है। और इसमें इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो चारों टायर इसमें नए हैं, सेल्फ स्टार्ट है जी। इस ट्रैक्टर में आपको ले जाने के बाद 1 सिंगल रुपए का कोई भी काम नहीं करने की जरूरत है जी। कोई काम आपको नहीं करना है, 1 रुपया आपको ट्रैक्टर में लगाना नहीं पड़ेगा। सर अपने फाइनेंस का क्या सुविधा है? जी हाँ बिल्कुल, रीफाइनेंस की बहुत अच्छी शानदार सुविधा उपलब्ध है आपको। कम डाउन पेमेंट, 1 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपए के डाउन पेमेंट पर आपको, उदाहरण के तौर पर यही ट्रैक्टर जो आप देख रहे हैं सामने 1,635 आप आसानी से ले सकते हैं जी। काफी कम ब्याज दरों पर ये सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, आइए दोस्तों नेक्स्ट ट्रैक्टर देखते हैं। नेक्स्ट ट्रैक्टर देखते हैं। अगर मैं लोरेंस की बात करूं तो आप देख रहे हैं एक ये भी एस्कॉर्ट्स का 35 है, 1995 मॉडल का ये ट्रैक्टर है। 1995 जी हाँ जी। लगभग इसकी जो हमारी आस्किंग प्राइस है वो 1,00,000 रुपए की है जी। और अगर हम आगे बढ़े तो, और अगर इस तरफ हम लोग जाएं तो आप देखेंगे कि ये
स्वराज का 735 एक बार फिर 1990 मॉडल का ट्रैक्टर स्टार्टिंग सर। सर इसका क्या है? ये भी एक बार फिर स्वराज का 735 है, 1990 मॉडल का ट्रैक्टर है, 80,000 रुपए का इसका आस्किंग प्राइस है हम लोग का। 80,000 जी। और इसकी भी मैं बात करूं तो ये फिर से एक बार महिंद्रा का 475 है, ये भी लगभग 1,25,000 की रेंज का ट्रैक्टर है जी। मतलब और जिनका बजट कम है वो इनको देख सकता है एक बार आकर। जी हाँ बिल्कुल देख सकता है, डिटेल ले सकता है। बाकी नेक्स्ट ट्रैक्टर कौन सा? अगर मैं बात करूँ तो जिन किसानों के बड़े किसान है जो उनको बड़े ट्रैक्टर की आवश्यकता है, अगर मैं उसकी बात करूँ तो उसमें ये महिंद्रा का अर्जुन 555 DI है जी। अभी जैसे स्ट्रॉ रीपर और जो बड़े काम होते हैं लोडर तरह की के, उन कामों के लिए ट्रैक्टर सबसे परफेक्ट है जी। ये 2010 का मॉडल है, इसकी जो हम लोग कीमत उम्मीद रख रहे हैं वो 3.5 लाख रुपए की कीमत इसकी हम 3.5 लाख चाहते हैं। इसका आस्किंग प्राइस है कुछ नेगोशिएबल हो गया अपने यहाँ? हाँ जी बिल्कुल, अब जब टेबल पर आमने सामने जब बैठेंगे तो आपकी पसंद के हिसाब से जो भी कीमतों में जो बेस्ट हो सकेगा वो डेफिनेटली किया जाएगा। आप निराश होकर नहीं जाएंगे अगर यहाँ आएंगे तो। बाइक ही आइए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा है सर अपने पास? नेक्स्ट सेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो ये स्वराज का 855 है जी। इसमें डबल क्लच है जी और स्टेरिंग इसका मैनुअल है, मैनुअल स्टेरिंग का ट्रैक्टर है, डबल क्लच है, टायर्स की स्थिति आप अपने सामने देख पा रहे हैं, सेल्फ स्टार्ट है, 2011 का ये मॉडल है। एक बार फिर ये भी लोगों में काफी पॉपुलर ट्रैक्टर है और आप उसको अच्छे से देख सकते हैं और इसको चला के आप देखेंगे तो आपको और पता चलेगा कि इस ट्रैक्टर में क्या क्या फीचर्स हैं। ठीक है, इसका रेंज आप क्या रख रहे हैं जी? ये 3.5 लाख रुपए की, 3.5 लाख रुपए इसका आस्किंग प्राइस रखे हैं, नेगोशिएबल है ही। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा है सर अपने पास? नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो ये जॉन डियर का 5036 है जी। आपका ये 2012 का मॉडल है जी। आपके 36 HP का ये ट्रैक्टर है जी। इसकी जो आस्किंग प्राइस है वो 2.5 लाख रुपए है जो हम लोग उम्मीद रख रहे हैं। अच्छा। बाकी जो भी टेबल पर आमने सामने बैठे हैं। जैसे कि इनमें कुछ कमियां होती है जैसे कि ये आगे का है, ये सब आप लोग चेंज करा कर देते हैं या किसान भाई को कुछ कराना पड़ता है? नहीं नहीं डेफिनेटली हम लोग काफी चीजें करते हैं ट्रैक्टर में, जो मेन जो टेक्निकल वाला हिस्सा रहता है जिसमें किसानों को ज्यादा तकलीफ होती है, खास तौर से इंजन, गियर बॉक्स और लिफ्ट जी। इन तीनों पार्ट के ऊपर हमारी जो टीम है वो अच्छे से काम करती है जी। और उनके अंदर जो भी कमियां होती है उनको पूरे तरीके से हम लोग दूर करते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा? बाकी ये महिंद्रा का 295 टर्बो ट्रैक्टर है, आपके ट्रॉली और जो छोटे धुलाई के कामों के लिए काफी उपयोगी ट्रैक्टर है जी। ये 2010 के आसपास का मॉडल है, इसकी जो आस्किंग प्राइस है वो 1,70,000 रुपए है। 1,70,000 इसकी आस्किंग प्राइस है। सही, इसका कितने घंटे चला हुआ है ये ट्रैक्टरों में अगर हम जाएं तो घंटे का अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल काम है, पर फिर भी अगर देखें 2010 के हिसाब से तो औसतन एक किसान ट्रैक्टर एक साल में 1,000 घंटे चला लेता है जी। तो उस हिसाब से देखें तो लगभग ये 10,000 घंटे ट्रैक्टर ये चला हुआ होना चाहिए। ठीक है, आइए दोस्तों भाई अभी तक आपने 3 लाख तक के ट्रैक्टर देखे, आप थोड़ा उससे नीचे आ जाते हैं सर, इसके बारे में थोड़ा बहुत बताइए। देखिए जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि हमारे पास हर रेंज के ट्रैक्टर उपलब्ध हैं, तो ये स्क्रैप की रेंज का ट्रैक्टर है, लगभग 60,000 रुपये जी। तो ये उस तरह के ट्रैक्टर है जिनका हम लोग अमूमन स्क्रैप करते हैं। तो जैसे ये स्वराज का 735 है, इस तरफ अगर हम लोग देखेंगे तो ये स्कॉट्स है, और इस तरफ आएंगे तो ये 265 है, 2003-04 का मॉडल है, ये स्क्रैप नहीं है जी। इस ट्रैक्टर की अगर मैं बात करूँ तो ये 2003 का मॉडल है, ट्रॉली और जैसे बाकी के कामों के लिए ये काफ़ी उपयोगी ट्रैक्टर है। अभी स्ट्रॉ रीपर का भी सीजन आ रहा है जिस प्रकार से, उसको देखते हुए ये ट्रैक्टर ट्रॉली के हिसाब से, ये सारे ट्रैक्टर यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये सारे ट्रैक्टर ट्रॉली के हिसाब से हम लोगों ने तैयार किए। तो ये 265 2003 का मॉडल है। अगर हम इस पर बात करें तो ये फार्म ट्रैक 50 है, ये 2000 का है, 2000 का मॉडल का ट्रैक्टर है, इसकी कीमत लगभग 1,20,000 रुपये है। और अगर हम लोग आगे बढ़ें, जैसे ये अगर ट्रैक्टर में देखूँ स्वराज 735, ये जो ट्रैक्टर है ये आपका 2001 का मॉडल है, बढ़िया साफ सुथरा ट्रैक्टर है। इस ट्रैक्टर में भी आपको कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है जी। हाँ, किसान भाई कुछ नहीं कराना है, सिर्फ आना है, पैसे देना है और ट्रैक्टर लेकर जाना है, पूरे डॉक्यूमेंट्स ओके हैं। और इस ट्रैक्टर की भी अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूँ तो ये 1.5 लाख रुपए की रेंज का ट्रैक्टर है जी। और इसमें भी कोई काम की आवश्यकता नहीं है। इसके टायर भी यदि आप देखें तो लगभग 50 पैसे के करीब इसमें टायर बकाया है। अच्छा सर, जैसे कि अपने यहाँ फाइनेंस कराते हैं तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स अपन क्या सबमिट करते हैं? फाइनेंस के लिए डॉक्यूमेंट बहुत बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके जो किसान के जो KYC होते हैं, KYC मतलब आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, और उसका एक बैंक में खाता होना चाहिए। बहुत सिंपल सी प्रक्रिया है, 15 मिनट से 20 मिनट की पूरी प्रक्रिया में उसकी रीफाइनेंस की पूरी प्रक्रिया हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम आगे और ट्रैक्टर्स की अगर हम लोग बात करें
तो ये महिंद्रा का 575 है, एक बार फिर से सबसे ज़्यादा पॉपुलर ट्रैक्टर, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बिकने वाला ट्रैक्टर है। तो ये इसके ट्रैक्टर की अगर मैं बात करूँ तो 2014 का मॉडल है। इसके टायर, आगे के टायर उतने ठीक नहीं है, लेकिन जितना कि पीछे का टायर अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ठीक है। और इस ट्रैक्टर में भी किसी भी किसान भाई को उतना काम कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, इस ट्रैक्टर को सीधा ले जाकर वो खेती के और बाकी के कामों में उतार सकता है। इसकी सर, इसकी प्राइस का बता दीजिए। ये 3,20,000 रुपए की रेंज का ट्रैक्टर है। ट्रैक्टर है, बाकी आपके लिए नेगोशिएबल रहेगा। अच्छा सर, हमारे थ्रू कोई आता है तो उसके लिए क्या रहेगा? जी डेफिनेटली, मैं तो उम्मीद करूंगा और हमारे जो YouTube चैनल के जो हमारे भाई बंधु यहाँ पर खड़े हुए हैं उनके माध्यम से, डेफिनेटली यदि कोई किसान आपके माध्यम से आता है तो उसके लिए दो चीज़ों का मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। सबसे पहला कि जो बेस्ट प्राइस गारंटी आपको पूरे बाज़ार में, जो ट्रैक्टर की जो मंडी हम लोग यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं उसमें आपको पूरे बाज़ार में सबसे अच्छी कीमतों पर आपको ट्रैक्टर यहाँ पर मिलेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यदि आप उस पर फाइनेंस की सुविधा लेना चाहते हैं तो सबसे कम ब्याज पर आपको वो फाइनेंस की सुविधा निश्चित तौर पर यहाँ पर मिलेगी। बाकी अपने आप कोई ऑफर वगैरह चलते हैं? पुराने ट्रैक्टरों पर इस प्रकार कोई ऐसा ऑफर नहीं होता है। नहीं, ज़्यादातर होते हैं, बस सरकियाँ नहीं है। ठीक है, इस नेक्स्ट ट्रैक्टर देखते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट ट्रैक्टर देखते हैं। सर, इसके बारे में कुछ बताइए। ये 1993 का स्वराज 735 है और इसकी मैं अगर बात करूँ तो ये 80,000 रुपये की रेंज का ट्रैक्टर है। इसमें टायर आगे का एक बार फिर आप देखेंगे तो आगे का टायर उतना नहीं है जितना पीछे का टायर ठीक है। इसमें सेल्फ स्टार्ट नहीं है ये, और इसकी कंडीशन थोड़ा सा डाउन है, लेकिन इसमें जब अपन थोड़ा सा रिफर्बिशमेंट करेंगे, अगर किसी किसान भाई से हमारा सौदा बनता है तो इसमें रिफर्बिशमेंट करके जो बेस्ट चीज़ें हो सकती हैं वो उसके लिए हम लोग की जा सकते हैं। 80,000 रुपये जैसा कि मैंने आपको। आइए दोस्तों, नेक्स्ट ट्रैक्टर देखते हैं। ये मैसी 241 है, ये 2001 का ट्रैक्टर है। इसकी अगर मैं कीमत की बात करूं तो 1,60,000-1,70,000 रुपए की रेंज का ये ट्रैक्टर है। इसके टायर पीछे के काफ़ी अच्छे टायर हैं जी। और अपने जो यहाँ से नज़दीकी जो क्षेत्र है राजस्थान, वहाँ पर इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है, तो काफ़ी पॉपुलर ट्रैक्टर है 241 मैसी। जैसा कि मैंने बताया 70,000 से लेकर 180,000 की रेंज का ये ट्रैक्टर है। नेगोशिएबल होगा? हाँ जी डेफिनेटली, सारे ट्रैक्टर जो अभी तक आप लोगों ने देखे हैं उनकी कीमतों में जो भी बेस्ट नेगोशिएशन मूल भाव जिसको हम लोग कहते हैं जो हो सकता है वो निश्चित। सर, मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे कि मैं कार्स की ज़्यादातर बनाती हूँ तो उसमें 2010 से ऊपर के मॉडल फाइनेंस होते हैं, उससे अनदर उसके नीचे के मॉडल कभी फाइनेंस नहीं होते, तो इनमें क्या आपका रहता है, ये फाइनेंस होते हैं? बिल्कुल सेम कंसेप्ट जो कार में है वही कंसेप्ट यहाँ पर भी है। तो ये 2010 से नीचे के मॉडल कभी फाइनेंस नहीं होते क्योंकि उनका उतना कीमत नहीं होता, लेकिन फिर भी कई किसानों का प्रोफाइल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, फाइनेंसर उसकी कस्टमर की सिविल देखते हैं, सिविल अच्छी तो कई बार इस प्रकार की भी स्थितियां बनती हैं कि ट्रैक्टर की कंडीशन यदि अच्छी है, मॉडल 2010 के नीचे हो सकता है और ट्रैक्टर की कंडीशन अच्छी है तो उस स्थिति में किसान को फाइनेंस की सुविधा मिल सकती है। मिल सकती है, बाई चांस कहा जा सकता है जी। बिल्कुल, कौन सा है सर अपने पास? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आइशर का ये काफ़ी पॉपुलर मॉडल है, आइशर का 485 जी। ये 2002 का मॉडल है और इसका जो आस्किंग प्राइस है वो है 1,35,000 रुपये। 1,35,000 रुपये इसका आस्किंग प्राइस है। सर, इसमें अगर अपन नेगोशिएट करेंगे तो मिनिमम आप कितने तक इसमें इसको छोड़ सकते हैं? इसको हम 1,20,000 रुपये की रेंज तक हम इसको फाइनली छोड़ सकते हैं, इससे अनदर कुछ नहीं हो सकता आपका। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा है सर अपने पास? नेक्स्ट ये स्वराज का 744 है। 744 ये लगभग 50 HP रेंज का ट्रैक्टर है स्वराज में। और अगर मैं इसके मॉडल की बात करूं तो ये 2002 मॉडल का ट्रैक्टर है। इसका इंजन, लिफ्ट और गियर बॉक्स काफ़ी अच्छा है, काफ़ी साफ सुथरा ट्रैक्टर है। इस ट्रैक्टर में भी 1 रुपया किसान को लगाने की आवश्यकता नहीं है जी। और इस ट्रैक्टर का जो आस्किंग प्राइस है वो 1,80,000 रुपये। 1,80,000 इसका आस्किंग प्राइस है, बाकी भैया क्या नेगोशिएबल आपको मिल ही जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। एक बार फिर जो है अभी यहाँ पर हाल फिलहाल के लिए ये फिर से स्वराज का 744 ट्रैक्टर ही है जी। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये चूंकि इसकी कंडीशन काफी डाउन है तो ये लगभग 90,000 रुपए की रेंज में आपको ये ट्रैक्टर यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, बाकी सर अपन इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। सर बाय कर दीजिए सबको। सबको बाय। और अगली बार जब ये वीडियो शूट होगा तो आपको मेरा प्रॉमिस है, आपको यहाँ पर और ज़्यादा और बड़े और अच्छे ऊंचे मॉडल्स के ट्रैक्टर भी आपको देखने को मिलेंगे। और जो भी किसान भाई इस ट्रैक्टर का इस वीडियो को अभी देख रहे हैं
वो एक बार यहाँ पर आकर जो ट्रैक्टर की मंडी हम लोग बना रहे हैं उस मंडी को ज़रूर देखें, और आपको यहाँ पर हर ट्रैक्टर से संबंधित एडवांस जो इम्प्लीमेंट होते हैं जैसे कि थ्रेशर, स्ट्रॉ रीपर, नए ट्रैक्टर, हर चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो एक बार यहाँ ज़रूर पधारें और देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन प्रेस जरूर करना, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप